अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो, एंड आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है गाइस, क्योंकि हमें पता है रमजान का महीना बहुत पाक महीना होता है, शुभ महीना होता है और बहुत लोग इसे बहुत 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 मजे से मनाते भी हैं इस महीने को। बट एक चीज जानिए कि रमजान में मरने वालों के साथ क्या होता है, क्या होता है उनके साथ, वो जन्नत में जाते हैं डायरेक्ट या क्या होता है उनके साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, इस वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती है, इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को चार बातें बताई और कहा कि ये चार बातें मुझसे कभी मत करना। तो नाज़रीन, वो चार बातें कौन सी थी ये भी आपको बताया जाएगा। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। हम ये सब कुछ बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ताबिश इल्म को अभी सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाब क़ब्र नहीं होता। तो नाज़रीन, ये बात सच है कि जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब क़ब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो नाज़रीन, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी? तो नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को चार बातें बताई। हज़रत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी में खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर होता जाता है और जिस्मानी बीमारियाँ वजूद पर इख्तियार रखती हैं और यूँ वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फ़ायदा मिले?
तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठ कर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो, और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो, और खाना खाने के फौरन बाद पेट भर कर पानी ना पियो। याद रखना, अल्लाह ने रिस्क में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है, दवा भी बन जाता है, और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो नासरीन, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को चार बातें बताई। एक, शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन चार बातों का ख्याल हमेशा रखना। नंबर एक, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता, और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर दो, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा, अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। नासरीन, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए, तो यही बेहतर है। Correct. दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना ऐसे है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर तीन, मुझसे राज की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी ना करना। नंबर चार, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर ज़िंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो नासरीन, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है। एक मरतबा हजरत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती। तो हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत? तो हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो शैतान जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं, और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो, अल्लाह के करम से शैतान जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे, और यूं हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। तो नासरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ ये थी वीडियो, और रमजान में मरने वालों के साथ जो हमने सोचा था वही होता है, वो सीधे सीधे जन्नत में ही जाते हैं डायरेक्ट। और इसमें बहुत सी, एक ही टॉपिक में बहुत सी चीजें भी कवर कर ली थी ना, कि बर्तन खुले नहीं छोड़ने चाहिए, ये चीज, ये फैक्ट है, ये मिथ कह सकते हैं, ये हमने गंदे बर्तन रखने से मक्खियां बैठ रही, हां वो बैठ रही हैं, तो ये भी फैक्ट भी है, और एक मिथ ये भी बनाया कि रखने नहीं चाहिए, और ये बातें भी जो कही हैं, और बहुत सी चीजें बता दी इसमें कि अपने शौहर ने क्या चीजें बताई है ना। और एक और था टॉपिक यार इसमें, कुछ दिमाग में स्किप नहीं आ रहा ना कि कौन सी बात थी, कुछ था वो पता नहीं चलो। सो बाकी ये थी वीडियो, और हज़रत अली ने फरमाई थी ये सब चीज़ें। तो बाकी और भी हम वीडियोस देखते रहेंगे ऐसी ऐसी, और आप भी हमें सजेस्ट करते रहना। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।